जो अजमेर डिस्कॉम सहित पूरे राजस्थान के जवान अजमेर डिस्कॉम कार्यालय पे किसानों की वाजिब मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। कलेक्ट्रेट में सभा के बाद आपने घेराव किया। मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से नौजवानों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी किया और शांति से बैठे रहे, इंतजार करते रहे। आपने पूरा भरोसा व्यक्त किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी वो ये थी कि अनवर बिना ट्रिपिंग किसानों को बिक्री मिले पूरे प्रदेश के अंदर, डिस्कॉम अजमेर के अंदर जिसमें करीब 11 जिले हमारे आते हैं। एमडी साहब से पूरी बात हमारे विधायकों ने की, फिर मैं भी गया और सरकार से पूरी बात हो गई कि अजमेर डिस्कॉम में 7 घंटे जो बिजली रात को मिलती है और 6 घंटे दिन को, उस बिजली में किसी तरह की ट्रिपिंग नहीं आएगी। आज के बाद अनवर बिजली जारी रहेगी। दूसरी रात को जो बिजली 6.5 घंटे मिलती थी, आज आधा घंटे बढ़ा के उसको 7 घंटे कर दी रात की। आज से 7 घंटे हुई रात की, ये बिना ट्रिपिंग और दिन की 6 घंटे भी बिना ट्रिपिंग। दूसरी ये दूसरी सिंगल फेज जो कट जाती थी शाम को और सुबह, बिजली की कटौती कर दी जाती, लोगों को दैनिक कार्यों में दिक्कत होती है, तो सिंगल फेज शाम सुबह जो कटती थी अब सिंगल फेज शाम सुबह नहीं कटेगी। ये भी सरकार से बात हो गई हमारी। तीसरी हमारी मांग थी कि राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की घोषणा, ये बिल्कुल 24 घंटे कहीं हो सकता 22-23 टाइम 24 घंटे बिजली अनवर्त सिंगल फेज पूरे राजस्थान के अंदर अजमेर डिस्कॉम सहित मिलेगी पूरे राजस्थान। अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत एक जांच थी जिसमें कोई वहाँ पुराने एमडी थे, उनके कार्यकाल में कोई काम हुआ, उसकी जांच का मामला था, तो उसके अंदर ये समाचार पत्र भ्रष्टाचार हुआ था। दोबारा जांच के लिए राज्य सरकार से बात हो गई और दोबारा जांच की कमेटी भी बनाकर दोबारा जांच उसकी करा देंगे। एक गलत रूप से जो विषयार भरी है पूरे डिस्कॉम अजमेर के अंदर, स्टेट के अंदर, ये तो अजमेर डिस्कॉम के बाद विषयार के लिए इसलिए करूंगा कि जो भी विषयार गलत तरीके हमारे पास थी वो हमने एमडी साहब को दे दी, कुछ अगर है तो 1-2 दिन में आप दे देना, मिनिमम 5% 7-10% तक उन सबका डिस्पोजल कर देंगे बिना दूसरी कोई लाइन। ये नागौर सहित अजमेर डिस्कॉम में आने वाले जिलों में विद्युत लोड के अनुसार नए 132 के वी जिले, 33-11 के वी नए जिले स्वीकृत, 33 के वी जिले स्वीकृत करते हुए अभियंताओं में तकमीने बनाकर करीब मेरे पास पूरे नागौर के और डिस्कॉम के दूसरे 33 के वी के जीएसएस की मेरे पास कोई सूची नहीं आई थी, दूसरे जिलों की। उदयलाल जी डांगी हमारे पास बैठे हैं, अगर कोई भी उदयपुर अजमेर का कोई कागज होता हमें भिजवाए उसको तो हम करेंगे। नागौर जिले के 15 जिसमें मेड़ता खींचर नागौर के 15 से ज्यादा जीएसएस की सूची हमारे पास थी, 33 के वी के नए जीएसएस बनाने जिसमें सबसे ज्यादा उसमें लोड की आवश्यकता होती है और जहाँ लोड होता है वहीं जीएसएस बनता है। तो जितने भी आए हुए थे खींचर के, नागौर के, मेड़ता के, वो तमाम जीएसएस स्वीकृति के एमडी साहब ने बात कर ली और स्वीकृति का आदेश भी दे दिया, तमाम जीएसएस स्वीकृत होंगे, 2-5-7 दिन बाद बनने चालू हो जाएंगे। और 132 जो सकवास का 132 का जीएसएस है, चूंकि राजस्थान में खींचर पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ 220 का एक जीएसएस बना और 132 का एक जीएसएस बना, 220 का चालू करना, वो इसी साल में इसको प्लान में रखना है। और शंकवास को नए 132 जीएसएस के लिए भी प्रपोजल आज ही बात हो गई है, कल शंकवास के नए 132 के प्रपोजल भी राज्य सरकार को चले जाएंगे। एक दूसरा मामला, एक और क्या था, हो गया और क्या, एक दुर्घटना के अंदर जितना भी अजमेर डिस्कॉम में, स्टेट के अंदर, स्टेट की चिट्ठी अपन अलग बना के भेज देंगे, अजमेर डिस्कॉम में पिछले 5-7 साल से कई लोग कहते हैं भाई हमारी करंट से मौत हो गई, घायल हो गए, उनके मुआवजा उनका नहीं मिलता, तो एक नई कमेटी इन्होंने आज ही बना दी है। वो कमेटी काम करके जितने भी दुर्घटना करंट से मौत हुई है घायल हुए, 5 लाख इसके अंदर जो मौत का है और घायल का शायद आपका अलग अलग उसका होगा, तो जो भी है वो सारा पैसा 15 दिन के करके पूरे डिस्कॉम के हमारे 11 जिले इनका जितने भी हमारे पीड़ित है उन सबका मुआवजा भी जारी कर दिया जाएगा। ये भी अब एमडी साहब एक एक करके खुद आपकी घोषणाएं करेगा। हमारी ये प्रमुख मांगे आज की, हमारी ये प्रमुख मांगे थी अजमेर
डिस्कॉम के लिए, और चूंकि अजमेर डिस्कॉम के बाद हमने बात कर लिया सरकार से, ये पूरे राजस्थान में साहब सुबह शाम बिजली का ये जो चल रहा है 7 घंटे 6 घंटे, कम से कम किसानों को पूरी बिजली मिले। तो एमडी साहब ने बात भी करी, हमने भी करी, और ये जो घोषणा हो रही है ये पूरे राजस्थान के लिए हो रही है। ये जीएसएस वगैरह तो जो डिस्कॉम के वहीं के होंगे, लेकिन 6 घंटे और 7 घंटे वाली जो बिजली है, रात की 7 घंटे और दिन की 6 घंटे, ये पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी। राजस्थान की घोषणा अजमेर डिस्कॉम के लिए कर रहे हैं, और सरकार से बात करने के बाद ये निर्णय हुआ कि पूरे राजस्थान में अब किसानों की बिजली की कटौती नहीं होगी। ज्यादातर किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है, कई जगह रात में बिजली, कई जगह जैसे हमारे नागौर में बहुत कम जगह रात को बिजली दी जाती है, लेकिन जहाँ रात की बिजली है वो 7 घंटे बढ़ के 6.5 से 7 घंटे होगी, दिन की 6 घंटे मिलेगी, और ये पूरे स्टेट के लिए लागू होगा। अब एमडी साहब, चूंकि बिजली वालों से हमारा रोज काम पड़ता है, अभियंता सबसे ज्यादा अगर हमारे बीच कोई रहता है तो अभियंता अपने बीच रहते हैं, और हमारा भी कोई मकसद नहीं कि हम इनको परेशान करके कोई ऐसा काम कराएं, लेकिन दुख तकलीफ जब होती है और किसान की पीड़ा देखते हैं कि किस तरह किसान ठंड के अंदर रात को अपने उसके लिए करता, फिर पाला पड़ गया, इस बार जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ, उन सबको देखते हुए हमें आना पड़ा, आप सबको भी तकलीफ दी। लेकिन आज पूरे राजस्थान का किसान और जवान इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि कोई तो है जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, इस पाले के अंदर, ठंड के अंदर, बाकी लोग तो रजाई में घुस गए। तो मैं इनका एमडी साहब का भी धन्यवाद दूंगा, सीएमडी साहब का धन्यवाद, और अब ये जो घोषणाएं अपनी थी ये अपनी तरफ से एमडी साहब ये घोषणाएं कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जो भाई बोलो मतलब तीन ब्लॉक में बिजली दी जाएगी, जिसमें दो ब्लॉक दिन में 6-6 घंटे की हो गई, और सरकार जो 6 घंटे थी उसको 7 घंटे कर दी। अब सुन लो भाई, एक मिनट एमडी साहब क्या कर रहे हैं, सुन लो बात। 7 घंटे की सप्लाई रात को बिना ड्रिपिंग के दी जाए, 6.5 घंटे बढ़ा के, हाँ बढ़ा कर 7 घंटे, आधा घंटा बढ़ा दी पूरी, 7 घंटे सप्लाई रात को बिना ड्रिपिंग की दी जाएगी। इसी प्रकार सिंगल फेज की जो सप्लाई शाम को 5 से 8 में पिछले कुछ दिनों से कट रही थी, वो उसकी व्यवस्था पूरी कर ली है, और बिना ड्रिपिंग के शाम को 5 से 9 की सप्लाई सिंगल फेज की सभी को दी जाएगी। कुछ जीएसएस जो हमारे को नए बनाने हैं उसके लिए तकनीना तैयार कर दिया गया है, कुछ की सेंक्शन ले ली है, कुछ की और सेंक्शन लेके जल्दी ये जीएसएस बनाएंगे ताकि वोल्टेज की कहीं प्रॉब्लम नहीं आवे और किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आगे देखिए विजिलेंस के अंदर जो शीटें भरी गई है, उस शीटों को देख कर और उसके अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम राहत दे सकते हैं आप लोगों को, वो राहत मिनिमम से दी जाएगी, और मिनिमम पैसे जमा करके उन उपभोक्ताओं को खत्म की। मतलब ये जो हमने इनको मांग पत्र दिया है ये 100% हमारी मांगे डिस्कॉम ने और राजस्थान सरकार ने 100% मांगे हमारी मांगी 100%, और अब एक मिनट कागज ऐसा नहीं।